वेलकम बैक। टिप्स ऑफ द डे की बात करेंगे। टिप्स ऑफ द डे में आपको अपडेट करेंगे पूरा दिन के हवाले से कि स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल रहेगी। और अभी इस वक्त स्टॉक मार्केट जो है प्लस 143 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट ने गुज़िश्ता रोज़ से अब तक जो है ख़ुद को संभालने की बेहतर कोशिश की है। और गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा कि स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स रिकवर हो रहा था। अगर कल वाली सूरत हाल आज भी रही तो मार्केट बआसानी 42,000 का लेवल जो है वो रिकवर कर लेगी या रिटेन कर लेगी। लेकिन देखना ये होगा कि मार्केट में फंडामेंटल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वॉल्यूम्स बिल्कुल लो थे, एक्टिविटी हुई बहुत कम, स्टॉक्स में देखा आपने एक्टिविटी हुई, लेकिन स्टिल मार्केट ने बहुत संभाला और बाइंग की वजह से ही मार्केट ने अपने जो इंडेक्स है वो सर्ज हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग सेक्टर का जो सेक्टर है उसका टर्नओवर बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से मार्केट को एक हाइप मिली। आज देखना होगा कि मार्केट को हाइप क्या मिलेगी और किस तरीके से मार्केट के नंबर्स को सपोर्ट मिलेगा। मज़ीद कुछ आपको पूछना हो, जानना हो, आप रोहेल इंतखाब मेरा फेसबुक का पेज सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर भी मैं इसी नाम से हूँ, और आप लोग के जो क्यूरीज मुझे आ रही होती है बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन मैं कभी उसका जवाब नहीं दे पाता मसरूफियात की वजह से, लेकिन कोशिश ये होती है कि आप लोगों को बाकायदा बता दूँ। अच्छा, एक दो लोगों ने मुझसे सवाल किया कि जी आपने बैंकिंग सेक्टर के कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए थे लेकिन उनकी वैल्यूशन लो है, सर आप मुझे ये ज़रूर बताया करें कि आपको बेचना कब है। मैंने तो रिकमेंड किए थे क्योंकि ऑल टाइम मार्केट आपकी अभी लो वैल्यू पर चल रही है, डिक्लाइनिंग मोड पर है, तो लेने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक हफ्ते के बाद मैं बेचूंगा तो वो फिर फेवरेबल नहीं रहेगा। मज़ीद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो मेरा तरीक़ेकार है बाइंग का, या मैं जो सजेस्ट आपको करूंगा कि अभी जिस तरह से इंडेक्स लो भी हो रहा है ना, तो आप माल खरीदिए। इलेक्शन से पहले आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। जिन लोगों ने 52 पर इंडेक्स पर इन्वेस्ट किया वो डेफिनेटली परेशान है, क्योंकि उनको उस वैल्यू पे वो स्टॉक्स नहीं मिल रहे। एक और कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है? जी रोहिल भाई फैसल बात कर रहा हूँ। सर आज खुशी है कि HBL का लॉक खुल गया है, बस खुशी समझो कि इसको देख के खुश हो रहा हूँ मैं आज। फैसल आपने कमेंट किया था ना, मुझे मैसेज किया था। जी जी सर, मैं अगर आपको बुरा लगा तो मैं माजर मुझे नहीं, डोंट से सॉरी, डोंट से दिस, मुझे बुरा, मुझे ये था कि आप फैसल ये बता देते कि आपको रिटर्न किस वक्त चाहिए था। मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि आपने बोल दिया कि मेरी वजह से आपने बाय कर लिया, फिर आप मुझे कह रहे हैं कि लॉस हुआ। नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉरी सर, मैं आपसे माफी चाहता हूं। नो प्रॉब्लम, मुझे खुशी हुई कि आपने स्मार्ट मूव लिया। अभी मुझे फैसल टिप्स चाहिए होंगी मुझे आपकी। अच्छा करते हैं सर। अच्छा फैसल मुझे बताएं कि रिटर्न कब तक चाहिए होता है आपको, क्योंकि उस वक्त मार्केट बहुत लो थी तो मैंने आपने शायद मैंने आपको ना मैसेंजर पे सारा किया, यहाँ लाइव में अच्छा नहीं लगता कहते हुए आप मैसेंजर में मैंने आपको किया, आप वहाँ से प्लीज चेक कर लीजिएगा। चलें जबरदस्त, थैंक यू सो मच फैसल, आपने कॉल की और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आप ही पहले कॉलर, क्योंकि आप ही की बात से ही मैंने डिस्कशन किया था दबे लफ्ज़ों में, मैंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन आपके मैसेज से मुझे ये हुआ कि आप जो है इस तरह से बोल रहे थे। लेकिन बारहा मैं तमाम तो लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि इलेक्शन से पहले मार्केट में बड़ी जो है वो आपको मौका मिलेगा कि आप इन्वेस्ट कर सकें। मैं कह रहा था 52 के लेवल पर जिसने इन्वेस्ट किया था उसको जाहिर सी बात है वो परेशान होगा, क्योंकि स्टॉक्स उसके वो वैल्यू पर नहीं मिल रहे थे। थॉट के 52 के लेवल पे इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं था, यू हैव टू वेट फॉर दिस टाइम एटलीस्ट, कि अभी जो मार्केट चल रही है 41 to 42 में, लेट्स सी अगर मार्केट गिरती भी है तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, डू बाय मोर स्टॉक्स एज यू कैन। तो ये सूरत हाल है सारी स्टॉक मार्केट को लेकर, स्टॉक मार्केट को एंजॉय कीजिए, स्टॉक मार्केट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आप लोगों को ये बोलूँगा, इट्स लाइक एडिक्शन, जिन लोगों को है उसको एंजॉय करते हैं। कॉल कॉलर हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त मेरे दफ्तर से बात कर रहा हूँ, कराची स्टॉक एक्सचेंज से। अच्छा स्टॉक एक्सचेंज से बात कर रहे हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे ये बताए कि हमारे मुल्क की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन, रात को हमने गुजरात को अपने प्रोग्राम देखा था, डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा फाइनेंशियल इमरजेंसी लानी पड़ेगी, इसलिए कि हमारे यहाँ इम्पोर्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है। सपोज कि हमारा इम्पोर्ट 35 अरब डॉलर का है तो उसमें 25% अंडर इन्वेस्टिंग अगर मिला जाए तो ज्यादा हो जाती है। अब हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, हैवी मशीनरी आ रही है,
सी पे कभी सी पे का मशीनरी आनी है, सब कुछ आनी है। हमारे सर हमारे मुल्क पर बोझ बहुत है, बहुत बोझ है और इतना बोझ है जिसकी इंतहा नहीं है। अगर हम आई पी एस के पास जाते हैं। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप बात कर रहे थे, आप जो है एक तबसरा ही दे रहे थे अपना, तो मैं यही कहूँगा जी हाँ, प्रॉब्लम तो है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, ढकी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं और इंपोर्ट बढ़ गई हैं, और किसी से ढकी छुपी बात नहीं है ये। आप मशीनरीज की बात कर रहे थे, सीपैक की भी आपने बात की, इससे पहले हम यही चीज़ें सारी डिस्कस कर रहे थे। आप वो प्रोग्राम यूट्यूब पर आएगा, वो देख लीजिएगा। और ये तो सर हम तो बात कर सकते हैं, हमारे अपने इख्तियार थोड़ी हैं सर, हम सिर्फ बात कर कर चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। करने वाले तो हमारे मुल्क के सियासत सद्दान है, हम ये तनकीद कर कर बात कर कर उनको इस तरफ रागिब करेंगे कि वो बेहतर काम करें। उन पर तनकीद करने का मकसद ये होता है कि हम उनके किरदार पर तनकीद नहीं करते, हम उनकी जिस बात की जिम्मेदारी है उनको इस मुल्क को चलाना है उस बात पर करते हैं। पर्सनल कोई हमें कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी है किसी भी सियासतदान से, हमें तो मुल्क की पाकिस्तान की बात हम करते हैं, पाकिस्तान को रखते हुए। क्योंकि यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्टिविटी नहीं हो रही वो होनी चाहिए, जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उसको तेज़ होना चाहिए। सीपैक की हम इसलिए बात करते हैं, उससे एसोसिएट यहाँ पर रोज़गार है, उससे एसोसिएट यहाँ की तरक्की और खुशहाली है, ये सारी बातें करने का मकसद होता है। हमें तनकीद करना हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हम किसी के किरदार पर उंगली उठाएं, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के लिए अगर कोई गलत बात करेगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा, उसके लिए फिर हम चुप नहीं रहेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। हमारा स्टेट है, हमने यहाँ पर ही रहना है, यहीं पर ही जो है अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इधर ही कारोबार करना है, हमारी आने वाली जनरेशन को यहाँ पर सर्व करना है। हमने थोड़ी जाकर ईद बाहर करनी होती है, हम अगर मुल्क से बाहर जाते हैं तो मुल्क में आ जाते हैं ईद करने के लिए। जी हमें भले महंगी फ़्लाइट चाहिए, हमें पाकिस्तान में अपने प्यारी ज़मीन पर ईद करनी है। हम डिप्लोमेट्स की तरह थोड़ी है कि ईद करने के लिए बाहर लंदन चले जाएँ, दुबई चले जाएँ। हमारा मुल्क है, हमें रहना है यहाँ पर। बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिए नमाज में, परवरदिगार इस मुल्क के सियासतदानों को बेहतर तौफीक अता फरमाए ताकि वो मुल्क की खिदमत तरीके से कर सकें। एक और कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। शायद अली बोल रहा हूँ कराची से। जी शायद, कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सही बताइए, फौजी फूड ने तो हमें बहुत बड़ा डस दिया है। पहले 300% इन्होंने राइट का ऐलान किया, सब बुक क्लोजर आ गई, सारी चीजें आ गई, उसके बाद वो कैंसिल हो गया। ऐसा होता है कि एक दफा वो क्लोजर आ जाए और सारी चीजें अनाउंसमेंट हो जाए, उसके बाद फिर वो कैंसिलेशन हो जाए, नहीं जी वो अभी बात पोस्टपोन हो गया, बात को फिर उसको हम देखेंगे। तो फौजी फूड का काइंडली मुझे फ्यूचर पता है, कुछ है नहीं है या ऐसे ही? कितने स्टॉक्स पड़े हुए इसके आपके पास? जी 5000 है। जी 5000 है, चले मैं बताता हूँ आपको, इसको होल्ड करके रख लें ज़्यादा बेहतर है। अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उन्हें कुछ दिए थे, आप कंपनी की मर्जी है सर, हम क्या कह सकते हैं। जिस तरीके से कंपनी जो है काम कर रही है, वी नेवर नो कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या उनके मामलात हैं। इसको होल्ड कर लें ज़्यादा बेहतर है, अभी लो वैल्यू पर है ये सर और ये रहेगा, मैं आपको बता दूँ। तो इससे अभी एक्सपेक्टेशंस ना बिल्डअप कीजिए, बट दिस इज़ अ गुड स्टॉक फॉर द इन्वेस्टमेंट। यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 6 to 7 months मोर। अगर आप देखते हैं कि हल्का से इसमें जो है सर जाता है, एक रुपया भी बढ़ता है ना इसमें 5000 के हिसाब से, अगर 2 रुपये ही बढ़ते हैं आप इसको बेच के दूसरे स्टॉक्स उठा लीजिए। लेकिन मैं फिर बहरहाल ही मैं कहूँगा जो लोग अभी बेचने की सोच रहे हैं वो ना बेचें, क्योंकि स्टॉक मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन से पहले थोड़ा सा और कम हो सकती है। लेकिन वी नेवर नो कि कुछ अच्छे मेजर्स लिए जाएँ, जो मुझे बड़ी उम्मीद नज़र आती है मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड डायरेक्टर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वो काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मार्केट को बेहतर करें। जहाँ हम एक तरफ ये देखते हैं कि मार्केट बेयरिश हो गई तो वो जो है उसको बेहतर करने के लिए या रिकवर करने के लिए अच्छी मेजर्स लिए जाते हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम जी, आप जो है इस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 41 पे लो लेवल चल रहा है आपके मार्केट का। एक और कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आबिद अंसारी इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आपसे ये पूछना था कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड या इंडिविजुअल शेयर्स हम अपना पोर्टफोलियो बना के खरीदें वो बेनिफिशियल है, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट है? म्यूचुअल फंड पर चले जाएं आप, उसमें रिस्क कम है आपको। अगर स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन आपको इतनी ज़्यादा नहीं है, म्यूचुअल फंड का तरीक़ाकार ज़्यादा इजी है। वैसे इसका भी इजी है, वैसे मेरी बड़ी कोशिश है, मैं चाह रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन तमाम तर लोगों को ऐसे बता दूँ कि फंडामेंटल से स्टार्ट करें कि अकाउंट खुलता कैसे है, क्या तरीक़ाकार है, CDC का क्या रोल है, SEC का क्या रोल है, स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर्स क्या करते हैं। इस पर मैंने एक कैंपेन चलाने का सोचा है, आप दुआ कीजिए कि मैं
جلدی سے کچھ مصروفیات سے جو ہے وقت نکال کر اپنے فیس بک پر ڈال دوں گا اگر مجھے موقع ملا. باقی میرا چینل تو اویلیبل ہے بزنس پلس, اس پر میں ایک پروگرام کرنا شروع کر دوں گا. عید کے بعد کا میں نے سوچا تھا, میں انشاءاللہ یہ وقت نکال کر باقاعدہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ایپیسوڈس آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گا. جی ایپیسوڈ ون میں ہم بتائیں گے کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے, ایپیسوڈ ٹو میں ہم یہ بتائیں گے بروکر شافز کا کیا رول ہے, سی ڈی سی کا کیا رول ہوتا ہے, میوچل فنڈ میں انویسٹ کیسے کرنا ہے, ان تمام چیزوں پر میں انشاءاللہ کام کروں گا. ابھی آپ عابد یہ کیجیے کہ میوچل فنڈ میں چلے جائیے, ایک بینک ایک دو بینک یہ کام کر رہے ہیں اور بروکر شافز بھی یہ کام کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہا ہے, کہاں سے بات کر رہا ہے؟ سر میں سیالکوٹ سے بول رہا ہوں, شمس دین میرا نام ہے. جی بولیے سر. سلک لیا ہوا ہے کچھ سال ہو گیا ہے. کون سا سیمنٹ لیا ہوا ہے؟ سلک بینک لیا ہوا ہے. آئی تھاٹ آپ سیمنٹ کہہ رہے ہیں. جی سلک بینک لیا ہوا ہے, پھر اس میں پروفیشنل یہ اور اس کے علاوہ پی ٹی سی بھی ہے میرے. پی ٹی سی اور یہ دونوں شیئر سال ہو گئے. تو کیا ہو رہا ہے کہ ویلیوز نہیں بڑھ رہی اس کی؟ نہیں نہیں میرا ایک 16 پہ ہے اور ایک 2 پہ ہے. کس نے مشورہ دیا تھا آپ کو سلک بینک کا, مجھے بتائیے. کسی نے نہیں مشورہ دیا. بس آپ نے غلط کیا نا, خود بغیر مشورے کے بغیر سوچ سمجھ کے آپ نے سیلف بینک اٹھا لیا. تو اب کیا چاہتے ہیں سیلف بینک میں آپ؟ اس میں پیسہ مل جائے آپ کو, منافع تو نہیں ہو رہا اس میں بالکل بھی. ہلو ٹھیک ہے, آپ مجھے اپنے سیکیورٹیز تو بتایا تھا کہ آپ کے پاس کوانٹٹی کتنی بڑی ہوئی سیکیورٹیز اور اسٹاکس کی, تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ کیا کرنا چاہیے. بہرحال سیلف بینک میں میں کیا بولوں, نو کامنٹس, یہی کہہ سکتا ہوں. لیکن سر ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ جو سلیکشن آف اسٹاکس ہے سوچ سمجھ کے اس کا چناؤ کیا کریں. آپ لوگ کا پیسہ ہوتا ہے, آپ یہ سوچ کے پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں کہ آپ کو منافع ملنا چاہیے اور آپ کی سوچ بالکل اچھی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ جب آپ رانگ اسٹاک کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر سلک بینک نے اگر کچھ ویلیوز اچھی دی بھی ہوں گی اس وقت آپ کو بیچ کے نکل جانا چاہیے تھا, منافع کما لینا چاہیے تھا, لیکن آپ نے اس کو ہولڈ کیا. ابھی تو آپ دیکھیں ویلیوز میں کیا بولوں, ابھی تو اچھے اچھے اسٹاک جو ڈویڈنڈ بھی دیتے ہیں جن کی ویلیوز اچھی ہے وہ ڈاؤن پڑے ہوئے. ابھی ایک آپ سے کئی پروگرام کے آغاز میں کالر تھے, ان کو لو ویلیو پہ اسٹاک میں ہو رہے تھے, ان کے تو بلو چپ اسٹاک تھا وہ, اس میں ان کو میں نے ہی ریکمینڈ کیا تھا, لیکن اس میں سب لوور لاک ہٹ گیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور میں یہ ساری چیزیں میں آپ کو کیا بتاؤں, بس یہ کہ اس پہ آپ تھوڑا سا خود اسمارٹ موو کیجیے اور سلیکشن آف اسٹاکس بہت سوچ سمجھ کے کیا کریں. آپ پیس پاکستان اٹھائیے, آپ میڈیا ٹائمس لمیٹڈ اٹھائیے, آپ فرسٹ کیپٹل اٹھائیے, یہ تینوں اسٹاک آپ اٹھائیے. اگر آپ سیلف بینک جیسے اسٹاک اٹھا رہے ہیں تو ہمارے اسٹاک تو بہت زبردست ہیں. سوری ٹو سے سب اچھی, کسی کو بری لگے یا اچھی لگے, لیکن میں حقیقت بات کرتا ہوں, سلیکشن آف اسٹاکس بہت ضروری ہے. ایک اور کالر ہے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے. ویل سلیکشن آف اسٹاکس پر بات ہو رہی تھی, اس پر بھی ہم پروگرام کریں گے, لیکن وہ پروگرام تھوڑا سا جو ہے متنازع نہ بن جائے, اس لیے لہٰذا سلیکشن آف اسٹاک جو ہے آپ خود کیجیے, بہتر یہ ہوگا. آپ خود لوگ بڑے اسمارٹ لوگ ہیں, آپ جب کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس کو دماغ میں پہلے اس کو جو ہے سوچتے ہیں کہ میں کتنے پہ بارگننگ کروں, کتنے پہ خریدوں, کیونکہ اسٹاکس کی جو بارگننگ ہے یہ اس طریقے سے ہوتی نہیں جیسے آلو پیاز ہوتا ہے, اٹس اے ڈفرنٹ سسٹم. تو یہ آلو پیاز والا سین نہیں ہے, یو ہیو ٹو بی اسمارٹ یور سیلف, یہ آپ کو میں بتا دوں. ایک اور کالر ہے. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہا ہے, کہاں سے بات کر رہا ہے؟ عبدالحبی بات کر رہا ہوں کرانتی سے. جی حفیظ صاحب. سر یہ کیا مارکیٹ میں اس وقت یہ بائنگ کرنی چاہیے فار انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو؟ نہیں انویسٹمنٹ تو نہیں, یہ اپنا اوپر نیچے جیسے کرتے ہیں, آٹھ لے لیا نے ایک ہفتے بعد بیچ دیا, سمجھے؟ آپ ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں؟ دو چار دن کا گیم چل رہا ہے اسٹاک میں. ٹریڈنگ کے حساب سے میں ریکمینڈ کروں گا حافظ صاحب, ڈونٹ ڈو دس, دیز ٹائپ آف تھنگس اٹس سچ ا رسک تھنگس. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چیزیں آپ ڈسکس کریں کہ دو دن لے کے تیسرے دن میں بیچ دیا, یہ نقصان اٹھا رہا ہے, اور یہ تمام تر جو اس سوچ کے جو لوگ ہیں نا ان کو نقصان ہو رہا ہے. آپ ایسا نہ سوچیے پلیز, کیونکہ پھر آپ کو نقصان ہوگا. تو آپ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں مال اٹھائیے, مال سے مراد یہ اسٹاک, کیونکہ اسٹاک کا ہمارا ایک مخصوص جملہ ہے جو ہم اسٹاک ایکسچینج کے لوگ بولتے ہیں مال. تو اسٹاکس آپ اٹھائیے, اچھے اسٹاکس اٹھائیے, آپ لو ویلیو پر مارکیٹ اس وقت ہے, فار لانگ انویسٹمنٹ اس میں پوٹینشیل ہے, ایک سال لگے گا آپ کو پیسہ مل جائے گا, چھ آٹھ مہینے الیکشن کے بعد سے معاملات آپ کو ڈفرینٹ نظر آئیں گے,
ये आपको मैं बता दूं। लेकिन आप अभी ये सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप हफ्ते में पैसा कमा लें, बड़ा रिस्की है भाई, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट बैलेंस हो गई, उससे दो रोज़ पहले मार्केट नेगेटिव थी, पिछला हफ्ता पूरा मार्केट जो है वो नेगेटिव रही। 42 पर मार्केट ने स्टेबल रखा, 41 पर लेवल आ गया, अभी भी 41 to 42 की रेंज बाउंड में मार्केट सर्कुलेट कर रही है। इट्स योर चॉइस आप करना क्या चाहते हैं, लेकिन ये 2-3 दिन वाला गेम नहीं कीजिएगा, इस पर नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। जो लोग आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं है अपना फायदा बना रहे हो, अपने फायदे के लिए यहां पर लोग आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, यह बात ध्यान में रखिएगा। स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो अपना फायदा उठाने के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ अनासर की बात कर रहा हूं, कुछ मिडिल मैन बनते हैं वो आपको गलत सजेस्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप लोग खुद बड़ा स्मार्ट हो कि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई कॉल, दूसरी कॉल है जो ड्रॉप हो गई। कॉल करने के बाद थोड़ा सा तहम्मुल रखा करें, वेट किया करें, क्योंकि हम जब दूसरे कॉलर से बात कर रहे होते हैं तो आपको जो है वो वेट करवाना पड़ता है, उनकी क्यूरी का रिप्लाई या रिस्पांस करने के बाद हम आपकी कॉल जो है वो फिर अनहोल्ड करके आपसे मुखातिब होते हैं। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी उस्मान बात कर रहा हूँ, सियालकोट से। जी उस्मान जी, सर 1 मिलियन के पोर्टफोलियो में कोई वैल्यू स्टॉक्स रिकमेंड कर दें। 1 मिलियन के पोर्टफोलियो में जी वैल्यू स्टॉक्स, लॉन्ग टाइम होराइजन। रिटर्न कब तक चाहते हैं? रिटर्न कब तक चाहते हैं? 1 से 2 साल तक। 1 से 2 साल, बहुत बड़े से स्टॉक्स आपके पड़े हुए। कितने वैल्यू वाले चाह रहे हो भाई, 100 से कम वाले या 100 से ज्यादा वाले? 100 से कम वाले। 100 से कम वाले में फिर आप वो ट्रेडिंग वाले उठा लीजिए, के इलेक्ट्रिक उठा लीजिए, TRG उठा सकते हैं आप, PS उठा लीजिए, मीडिया टाइम्स उठा लें, डिफरेंट स्टॉक्स आप उठा लें, छोटे वैल्यूज के भी उठा लें आप, लॉर्ड पाकिस्तान उठा लें आप, और आप उठा लीजिए एंग्रो भी, नहीं एंग्रो तो 100 से ज़्यादा का रेट है, तो ये सारे आप स्टॉक्स उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सजेस्ट करूँगा भाई, NBP हो गया, बैंक ऑफ पंजाब हो गया, इस पर नहीं जाइएगा, तो गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स के स्टॉक्स ना लीजिएगा, ये मैं आपको, ये मेरी मशवरा है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। तो ये सारे स्टॉक्स आप उठा सकते हैं जो मैंने रिकमेंड किए हैं आपको, ये अच्छे स्टॉक्स हैं फॉर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्टिव्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो और IPOs का वेट कीजिए, IPOs भी कोई आते हैं वो भी ग्रैप अप कीजिए आप। इस टेन्योर में, अभी इस टेन्योर से मुराद ये है 7 से 8 महीने में कोई भी स्टॉक का IPO जनरेट होता है, गेट इट फौरन उठाइए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉट के आपके सामने ही है किस तरीके से IPO हुआ, किस पे बुक बिल्डिंग इसकी हुई, और आज देखें उसका रेट कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, मज़ीद ऊपर जाएगा इसका स्टॉक ना। और मैं लाजमी है आपसे बात करूँगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी स्टॉक का चुनाव करने से पहले पीछे ग्रुप देख लीजिए भाई, इंस्टीट्यूट कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, कौन से डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं इस पर काम कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में उसकी उनकी क्या एसोसिएशन है, कितना कैश डिविडेंड देते हैं आपको, कैश डिविडेंड वाले भी स्टॉक उठाइएगा ताकि आपको डिविडेंड के तौर पर भी पैसा मिले। एक और कॉलर है आई थिंक, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल है, आप लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे स्टॉक्स उठा सकते हैं, कोई कैद नहीं है, आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक लिस्ट हुए में हैं, मज़ीद एक्सपेक्टेशंस है कि स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स लिस्ट होंगे। IPOs की मैंने बात रखी आपके सामने, जो भी IPOs आएंगे वो भी मैं आपको अपने इस प्रोग्राम के तहत रिकमेंड कर दूंगा, आप वो उठा सकते हैं। लेकिन ये है कि 100 से कम वाले स्टॉक्स भी हैं, वो आप देखिए और लाजमी मुझे बता दीजिए, बताया करें कितने सिक्योरिटीज़ आप चाह रहे हैं, रिटर्न किस वक्त चाह रहे हैं, और आप अपना SGAT 9 भी ले सकते हैं, सुई सौदन गैस, ये स्टॉक्स भी कम वैल्यू के हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, ऑलमोस्ट ये डेली बेसिस पर ट्रेड होने वाले स्टॉक हैं। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहा है? मैं रशीद बात कर रहा हूँ कराची से। जी रशीद भाई, मुझे रोशन, ये RPL के मैंने 5,000 शेयर लिए हुए हैं 86.75 में जी, बिल्ड में, तो इसका जरा मुझे काइंडली बताएंगे मैं इसका क्या पूछना चाह रहे हैं आप? डाउन हो रहा है इसका रशीद, इसका क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हेलो, आपकी कॉल मुझे डिसकनेक्ट हो गई, मैं आपसे पूरा सवाल ले नहीं सका, मुझे काइंडली बता दिया करें कि जो है आप लोग चाहते क्या हैं रिटर्न्स के हवाले से, और इसमें आपकी वैल्यूज़ क्या है, क्योंकि आपकी पूरी बात मैं रशीद नहीं समझ पाया। आप फेसबुक पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, मैं आप पर रिप्लाई कर दूँगा। बाकी स्टॉक्स को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट थोड़ी सी वैल्यूज़ की लोज़ है, और इस लो वैल्यू में भी अगर आप सेल करने का सोचेंगे तो नुकसान होगा, तो बेहतर मशवरा ये है होल्ड इट, थोड़ा सा रिजर्व्स रखें, पेशेंस के साथ रहें, और इलेक्शन से पहले तो मार्केट आपको
इस तरह के नंबर्स दिखाते रहेगी, तो देखना ये होगा कितनी बेहतरी होती है। वेल, इसको रैप अप करेंगे टिप्स को और एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप न्यूज़ देखेंगे, फिर न्यूज़ के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी और लाइव वेयर में हम डिस्कस करेंगे आईटी सेक्टर को। लाइव वेयर और बिजनेस प्लस के साथ रहिए।